14 जनवरी 2021 को फोर्ब्स की तरफ से एक आर्टिकल रिलीज होता है जिसमें लिखा होता है अमेरिका बिगेस्ट फार्मलैंड ओनर इज नाउ बिल गेट्स। ये क्या बात करता है यार। Exactly. मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था। फिर मैंने थोड़ा लस्ती मस्ती किया, दिमाग को थोड़ा ठंडा किया, ठंडे दिमाग से सोचा कि यार बिल गेट्स बेवकूफ तो है नहीं कि ऐसे ही इतना सारा पैसा फार्मलैंड के पीछे फूंक देगा। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया। रिसर्च में मुझे USA के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का डेटा सामने आया। उसमें लिखा था USA का जो 911 मिलियन एकर्स का फार्मलैंड है उसमें से 39% रेंटेड फार्मलैंड्स है, यानी कि वो लोग खुद फार्मिंग नहीं करते, उसके बदले दूसरों को देते हैं, वो फार्मिंग करके कुछ परसेंटेज जिनका फार्म है उनको देते हैं और कुछ परसेंटेज खुद रख लेते हैं। मैंने सोचा चलो ठीक है, ये तो इंडिया में भी होता है जिसे हम लीज कहते हैं। उसके बाद मैंने जो देखा कि वो 39% का जो फार्मलैंड लीज पे जाता है उसमें से 80% फार्मलैंड तो अलग अलग बिलियनियर्स के पास है। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे तो सिर्फ बिल गेट्स नहीं अलग अलग बिलियनियर्स भी इन्वेस्टेड है। अब बिल गेट्स का नाम सामने इसलिए आ गया क्योंकि वो USA का लार्जेस्ट फार्मलैंड ओनर बन गया, लेकिन ये सारे बिलियनियर्स फार्मलैंड में ऐसा क्या देख लिया कि इनमें दबा के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हमारे पास उतना पैसा होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का तो क्या हमें कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फार्मलैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, यही हम देखेंगे इन आवर टुडेज वीडियो द फ्यूचर ऑफ फार्मलैंड इन्वेस्टिंग। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर आपने 1992 में US स्टॉक मार्केट के S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो 2020 तक आपका रिटर्न बनता 8%। US गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न बनता 5.46%। US रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता 8.66%। US रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया होता तो 9.86%। ये सही है, US जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी में ये रिटर्न ठीक ठाक है, लेकिन US फार्मलैंड को शायद ये रिटर्न मंजूर नहीं था। तो उसने बोला तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन US फार्मलैंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न बनता 11.01%, यानी कि इसने स्टॉक मार्केट को 3% से बीट किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस ग्राफ का ऑथेंटिसिटी क्या है, इस डेटा का ऑथेंटिसिटी भाई ये है, ये फोर्ब्स ने रिलीज किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा फोर्ब्स के इस पेज का, आप जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो S&P 500 लिया गया है तो 500 कंपनीज होगा तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा तो रिटर्न तो कम होगा। कोई बात नहीं भाई, हमारी तसल्ली के लिए नैसडेक ले लेते हैं टॉप 100 कंपनीज। तो नैसडेक का अगर हम देखेंगे 1992 से 2020 तक CAGR रिटर्न बनता है 12.44%। नैसडेक जीत गया, कितने परसेंट से जीता? 1.5% से। उसके अगेंस्ट वोलेटिलिटी कितना परसेंट का हुआ? वोलेटिलिटी अगर हम देखेंगे US फार्मलैंड का वोलेटिलिटी 6.9%, US इक्विटी का 17.5%, US गवर्नमेंट बॉन्ड का 4.55। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा तो स्टेबल तो होगा। उसके बाद US रियल एस्टेट 7.41%, US रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट था ये तो इक्विटी को भी पीछे छोड़ गया, इतना ज्यादा वोलेटाइल है। लेकिन हमने जब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है हमें तो यही सिखाया गया है जितना ज्यादा रिस्क होगा, जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा। तो ये रूल फार्मलैंड पे लागू क्यों नहीं हो रहा है? ये इतना कम वोलेटाइल होकर भी इतना ज्यादा रिटर्न कैसे जनरेट करके दे रहा है? तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, आपको एक एक करके बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या पता इंडिया का लार्जेस्ट फार्मलैंड ओनर आप बन जाओ। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। फार्मलैंड का प्राइस ग्रो होने का पहला रीजन, पूरे वर्ल्ड का करंट पॉपुलेशन अभी है 7.9 बिलियन, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2050 आते आते ये पॉपुलेशन 9 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है 9 बिलियन जब क्रॉस करेगा तो ये जो एक्स्ट्रा 1.2 या फिर 1.5 बिलियन जो भी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जनरेट होगा उनको खाने पीने के लिए चाहिए होगा, रहने के लिए जगह चाहिए होगा। तो ये अर्थ का जो रिसोर्सेस है वो तो ग्रो नहीं होने वाला हमारे पॉपुलेशन की तरह, लेकिन अगर आप चाहें तो इस चैनल का सब्सक्राइबर पॉपुलेशन की तरह ग्रो करवा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय द वे अगर हम देखेंगे यहाँ पे ग्राफ पे आप देख सकते हैं 1961 से यहाँ पे 2022 तक कैसे हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऊपर से ये जो अवेलेबल लैंड पर पर्सन का ग्रोथ है इसका डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हम इजीली समझ सकते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होगा रिसोर्सेस लिमिटेड है उसका डिमांड ग्रो होता जाएगा। और इकोनॉमिक्स का तो बेसिक्स रूल है कि जिस चीज का डिमांड ज्यादा होगा एंड सप्लाई धीरे धीरे कम होता जाएगा उस चीज का प्राइस ग्रो होगा। इसी वजह से फार्मलैंड इतने कम वोलेटाइल होकर भी इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा है। लैंड का इतना ज्यादा रिटर्न देने का It has great intrinsic value. Beyond that, it is a limited resource. They're not creating any more of it, and in fact, quite the opposite. We lose farmland all the time. In the United States, we're losing farmland at a rate of about 2,000 acres a day.
यहाँ पे सप्लाई भी कांस्टेंट नहीं है, सप्लाई भी धीरे धीरे डाउन की तरफ जा रहा है और डिमांड ग्रो हो रहा है। तो ये हो गया सेकंड रीज़न, फार्मलैंड का इतना ज़्यादा रिटर्न देने का थर्ड रीज़न। अगर आपको पता हो कि पूरे दुनिया में मेनली दो तरह का लैंड होता है, सबसे पहला होता है अनफर्टाइल लैंड, जो मतलब जिस पे हम चाहे भी तो भी फार्मिंग नहीं कर सकते, और दूसरा होता है फर्टाइल लैंड, जो क्रॉप प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन इसके लिए आइडियल होता है। तो यहाँ पे पूरे दुनिया का जो सरफेस है, पूरे दुनिया में जितना परसेंट सॉयल है उसमें से सिर्फ 38% सॉयल फर्टाइल है, यानी कि बाकी का जो 62% का ज़मीन है उसमें अगर हम चाहें तो भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और मज़े की बात तो यह है, हम इंसान उसी 38% लैंड के पीछे पड़े, मतलब सप्लाई वैसे ही लिमिटेड है, उसे और डिस्ट्रॉय करते जाओ ऊपर से ऊपर। और किसे डिस्ट्रॉय करो, स्पेसिफिकली नीश पकड़ जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते उसी को डिस्ट्रॉय करो। वाह, तालियां। अब हम बात कर लेते हैं कि फार्म लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है फार्म लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो आप फार्म लैंड को रॉ फार्म लैंड खरीद के उसे रख सकते हैं ऐसे ही, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ कमर्शियल प्रॉपर्टी करेंगे तो वहाँ पे हमें बिल्डिंग बिल्ड करना पड़ेगा, उसका रिनोवेशन करना पड़ेगा, उसे पेंट करना पड़ेगा, एक दो साल बाद उसके मेंटेनेंस में बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फार्म लैंड की बात करें, उसे किसी फार्मर को लीज दे सकते हैं, वो क्रॉप प्रोडक्शन करेगा, उसका कुछ परसेंट प्रॉफिट आपको मिलेगा, कुछ परसेंट वो ले जाएगा। तो अगर आपके पास पैसा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, तो मेरा मानना यह है कि आप फार्म लैंड में इन्वेस्ट कीजिए, और वो टायर वन या फिर टायर टू सिटी के थोड़ा पास होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि अगर कल को वहाँ पे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है तो उसका प्राइस अनएक्सपेक्टेडली ग्रो कर सकता है। तो फार्म लैंड में इन्वेस्ट करने का लगभग सारे मेजर रीजंस तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या हमारे इंडिया में भी यूएसए की तरह फार्मलैंड स्टॉक मार्केट को बीट कर पाएगा या फिर नहीं, और अगर नहीं कर पाएगा तो उसके पीछे कौन सा रीज़न है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे डेली क्विक अपडेट्स चाहिए स्टॉक मार्केट एंड बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे साइट पे आपको दिख रहा होगा। तो ऑल दैट नोट गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।